हम सारी दुनिया में हलचल सी मचा देंगे, हम सारी दुनिया में हलचल सी मचा देंगे। सरकार के आशिक है रंग अपना जमा देंगे, हर देश में गूंजेगा अब या रसूल अल्लाह, हर देश में, हर देश में, हर देश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तरह के स्टार्टिंग स्टार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको लाइट मोशन ऐप को ओपन करना है, उसके बाद आपको प्लस आइकन में जाना है, 9:16 का रेशो सिलेक्ट करना है और यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको प्लस आइकन में जाके ऑडियो में जाके आपको ऑडियो सिलेक्ट कर लेनी है। ये ऑडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है और या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो ये ऑडियो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें सबसे पहले हमें बीट मार्क लगा लेना है। तो इसमें हमने बीट मार्क लगा लिया है। ये बीट मार्क प्रोजेक्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें आपको मिल जाएगा। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो रखा है इसमें सबसे पहले आपको इमेज ऐड करनी है, फिर ये सेकेंड से आपको बीट मार्क से लेयर ऐड करना है टेक्स्ट का। तो हम यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट लिख लेते हैं, सेंटर में करते हैं कलर इसका वाइट लेते हैं और व्यूअर फॉन्ट में जाकर इसके पहले हम फॉन्ट यूज कर लेते हैं। फॉन्ट का नाम है अवेकनिंग। इसका हम यहाँ से साइज़ बढ़ा लेंगे। साइज़ बढ़ाने के बाद इसको इस वाले बीट मार्क से ट्रिम कर लेना है, ठीक है। फिर इसका मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में आना है, यहाँ पे लास्ट वाले में आके यहाँ एक प्लस आइकन दे देना है और स्टार्टिंग में प्लस आइकन देके इसको आपको स्लाइडर के ऊपर ले जाना है। उसके बाद फिर आपको इन दोनों के बीच में आके आपको सीधे कर्व यहाँ कर लेना है ऐसे, जिस प्रकार ये आपका इस प्रकार आ जाएगा। अब हमें एक और टैग लिखना है, सेंटर में कर लेना है, कलर इसका आपको वाइट अभी कर लेना है और इसके फॉन्ट का नाम है पर्सन स्क्रिप्ट फॉन्ट, ठीक है। इसका भी यहाँ से आपको ट्रिम कर लेना है और मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में आके इसका आपको साइज यहाँ से बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद इसका बॉर्डर एंड शेडो में आके आपको इसका शेडो ऑन कर लेना है। शेडो ऑन करने के बाद आपको स्ट्रोक भी इसका ऑन कर लेना है। जैसा आपको जो कलर अच्छा लगे वो आप कलर रख सकते हैं। फिर इसको मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में आना है, लास्ट में प्लस आइकन देना है और स्टार्टिंग में प्लस आइकन देकर आपको सिंपली इसको यहाँ पे नीचे ले आना है। नीचे लाने के बाद आपको फिर इन दोनों के बीच में आना है, आपको सिंपली यहाँ पे ऐसे इस चम्प को ऐसे सेट कर देना है, जिस प्रकार ये आपका ये इस प्रकार आएगा। अब इसमें हमें इफेक्ट लगाना है, तो इफेक्ट लगाने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक्सेल फाइल या प्रोजेक्ट फाइल मिलेगी, आपको सिंपली उसमें चले जाना है और यहाँ से इसको आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है और नीचे वाले आपको इसको पेस्ट इफेक्ट कर देना है। फिर आपको इस वाले में आना है, फिर आपको हम पे आके इसको यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर देना है। इसको यहाँ पे पेस्ट इफेक्ट कर देना है, तो आपको ये इस पर हो जाएगा। अभी आपका जो पीछे वाला बैकग्राउंड वाला जो टेक्स्ट है वो आपको थोड़ा कम दिख रहा है, अगर आपको ऐसे भी अच्छा लगे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो इसको आपको क्या करना है बॉर्डर एंड शेडो में जाना है। ये शेडो वाले पे जाके इसका आपको शेडो रेड कलर कर देना है, ठीक है, जिससे आपका ये टेक्स्ट और थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। उससे आपको अगर लिस्ट लिखने के लिए यहाँ से कॉपी टू लेयर करना है और यहाँ से पेस्ट टू लेयर करके फिर आपको यहाँ से जाके इधर आपको टेम्पलेट से बढ़ा लेना है। फिर आपको यहाँ पे लिरिक्स चेंज कर लेना है, तो ऐसे ही पूरा आपको टेक्स्ट लिखने का। फिर आपको यहाँ पे जो ये बीट मार्क दे रखे हैं यहाँ तक आपको टेक्स्ट ऐड करना है। यहाँ से आपको इमेज दो ऐड कर लेनी है, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में प्रेस बटन दबा लें। इंशाल्लाह नए वीडियो से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।